हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासी स्टाइल टिप्स विद शिखा। मेरा नाम है शिखा, हाजिर हूँ मैं आप लोग के साथ एक नई वीडियो लेके। सो आज का वीडियो होने वाला है एक मेकअप लुक पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने फेस को सबसे पहले मॉइस्चराइज कर लिया था और अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। मैंने मैक का प्राइमर लिया हुआ है। तो प्राइमर से क्या होता है, हमारा मेकअप अच्छे तरीके से लगता है एंड देन केकी नहीं लगता है। फाउंडेशन, कंसीलर, तो प्राइमर आपको अपने टी जोन पे अप्लाई कर लेना है। और प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं ग्लैम 21 का फाउंडेशन लूँगी। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं जो कि आपको पसंद हो एंड देन आपको उसे टैप टैप करके अप्लाई करना है एंड देन एक ब्लेंडर से या एक ब्रश से या अपनी उंगलियों के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना है। और फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप इसे बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड करें। और मोस्टली आप अगर ब्लेंडर यूज़ करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर, तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप फिंगर टिप से भी यूज़ कर सकते हैं और मैं कहती हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट है। तो देखिए, फाउंडेशन हो चुका है अप्लाई मेरे फेस पे। अब बारी है कंसीलर की। तो मैं कंसीलर के लिए किस ब्यूटी का SD प्रो कंसीलर लूँगी, जिसमें मुझे एक साइड कंसीलर मिलता है, एक साइड कंटूर मिलता है। ये स्टिक फॉर्म में है, इसे मैं अपनी आईज़ के पास और आईज़ के ऊपर भी लगा लूँगी, क्योंकि आई मेकअप भी तो करना है ना। एंड जहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखे या पिंपल्स दिखे, आपको वहाँ पे भी लगा लेना है। एंड देन इसे एक ब्लेंडर की हेल्प से या वापस से आपको ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना है। देखिए, मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड में बनाया है, बिकॉज मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा घसीटना नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती का दिखा दिया। मैं वही बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एंड देन आपको कंटूर स्टिक लेके ना, जो मैंने ली है किस ब्यूटी की प्रो कंसील और कंटूर स्टिक, आपको लगा लेना है। मैंने देखो पहले सी कार बनाया है, बिकॉज मेरा फोरहेड है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, चौड़ा है। एंड फिर गाल पे लगाया है एक प्रॉपर शेप देने के लिए फेस को। आप चाहें तो आप सिर्फ अपने चेक बोन्स के पास ही यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। आप इसे भी चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। इससे ना आपका फेस एक अलग तरीके से दिखता है, लाइक जैसा आपको नॉर्मल दिख रहा है ना, उससे डिफरेंट दिखता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और मेरा फोरहेड जो है वो थोड़ा ब्रॉड है, तो कंटूर यूज़ करने के बाद ना वो पता नहीं चलता मेरे फेस पे। तो आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर लेके ना इस सारे मेकअप को, जितना कि अभी तक मैंने किया है, उसे मैं लॉक कर दूंगी। तो मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। और आपको जब भी कोई पाउडरी वाला प्रोडक्ट लेना है तो उसे पहले झाड़ देना है। सो अब मैं लूंगी एक आई पैलेट ग्लैम 21 का, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। एंड देन मैं लूँगी सबसे पहले पिंक कलर, क्योंकि मैंने अपने आईज़ को कंसील कर लिया था ऑलरेडी। एंड मैं एक जो स्पॉन्ज टाइप का ब्रश नहीं होता, उससे मैं इसे अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी। मैंने ब्रशेस की वीडियो बना के दी थी और गिव अवे भी चल रहा है मेरे चैनल पे, तो आप चेक करिएगा अगर आपको ब्रश की ज़रूरत है तो, एंड पार्टिसिपेट करेगा इस गिव अवे में। तो देखिए, मैंने एक दूसरे ब्रश की हेल्प से अपने आई शैडो को ब्लेंड कर दिया है। मैंने अपने बाकी फेस का लुक थोड़ा सा नॉर्मल रखा हुआ है, इसलिए मैंने आईज़ को बोल्ड कर दी। एंड देन मैं लूँगी एक और कलर जो कि थोड़ा सा शिमर में है एंड देन पर्पलिस कलर में है हल्का सा ही, इससे मैं क्रीजेस करूँगी।
आप इसे अच्छे तरीके से देखिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और आप चाहें तो आई शेडो के लिए अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, पर मुझे ये कलर रखना था। एंड देन अब मैं वापस से वो कलर लूँगी जो मैंने क्रीजेस पे करी थी, या आप पिंक कलर भी ले सकते हैं। और मैं अपने बॉर्डर लाइन के नीचे जो पार्ट होता है उस पर वो कलर लगाऊँगी। और अब मैं लूँगी ब्लश। तो मुझे ग्लैम 21 के आई पैलेट में एक ब्लश भी मिले थे 3। तो आपको याद रखना है कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लें पाउडरी फॉर्म में जो है उसे आपको टैप करना है एक बार, जिससे कि एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाए। तो आपको अपने चिक्स पे ब्लश अप्लाई कर लेना है जैसे कि मैंने किया है। अगेन आप अपने अपना फेवरेट कलर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी। देखिए मैं ब्राउज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ब्राउज़ जो हैं वो ऑलरेडी ब्लैक हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड देन मैं लूँगी हाइलाइटर जो कि लगा लूँगी अपने फॉरहेड के पास, नोज़ पे, चिक्स पे, क्यूपिड बो के पास। एंड देन मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से, जिससे एक शाइनी लुक आता ही नहीं, क्योंकि हमारा लुक ही चेंज हो जाता है बिल्कुल इसको लगाने के बाद। एंड देन एक ब्रश की हेल्प से या किसी उंगली की हेल्प से आप आईब्रो के नीचे लगा लीजिए इससे, जिससे हमारी आईब्रो अच्छे से पता चले और हमारे आई शेडो का लुक जो है वो बहुत खूबसूरत सा आए। देखिए मैं बीच बीच में बात कर रही हूँ और हाथ आपको दिख रहा होगा, मेरा भाई मुझे इरिटेट कर रहा था, तो मैं क्या करूँ, करना पड़ता है। एंड देन अब मैं लूँगी मस्कारा, मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है, और मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपनी लैसेस पे। आपको ऊपर वाली लैसेस पे लगाना है और वाटर लाइन पे जो लैसेस होती हैं उन पे भी लगाना है। एंड देन अगेन मैं हाइलाइटर लेके अपने आईज के कोनों पे लगा लूँगी, जो किनारे होते हैं उस पे, जिससे अलग से हमारी आईज जो है हाईलाइट होती हैं। एंड देन मैं अपनी कोई फेवरेट लिपस्टिक लगा लूँगी। देखिए रेड हमेशा चलता है तो मैं रेड लगाती हूँ, ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड देन मैं एक मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी और मैं वेट करूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी अपनी ड्रेस, बिकॉज मुझे एक दूसरी ड्रेस पहनने की इच्छा है। सो मैं आती हूँ। देखिए मेरी ड्रेस चेंज हो गई, अब मैं अपने बालों को ठीक करूँगी। तो मैंने बिना कॉम किए ही देखिए बनाया है बालों को, बिकॉज़ मैं अपने गार्डन में शूट कर रही थी। सो मैं एक पीछे छोटा सा बन करके ना रबर बैंड लगा लूँगी एंड देन एक फ्लिप निकाल लूँगी। तो आप भी चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड देन मैं अपनी कोई फेवरेट सी इयररिंग पहन लूँगी। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा लुक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।